अभी हाल ही में पूर्व खिलाड़ी और बीजेपी के नेता गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीते दिन ही भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा कल ही 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें पवन सिंह का नाम भी शामिल था। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थीं। उन्हें बिहार की आरा सीट से भी कैंडिडेट बनाने की बात कही जा रही थी। बीजेपी ने उन्हें बिहार के बजाय पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में उतारा था। पवन सिंह यहां बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा साबित हो सकते थे। अब जब उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है तो भाजपा को एक नए उम्मीदवार की तलाश करनी पड़ सकती है। हालांकि 2 मार्च को पवन सिंह ने भाजपा द्वारा आसनमोल सीट से उम्मीदवार बना जाने के बाद खुशी जाहिर की थी। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आला कमान को धन्यवाद भी कहा था।